क्या लग रहा है कि चाशनी में डूबा हुआ कोई मालपुआ है, वो भी मीठा मीठा। नहीं, ये मालपुआ नहीं है, ये है बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी, गुणों से भरपूर और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला चीला। यस, और इसको बनाना ना बहुत आसान है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है। आप इसको किसी भी मील में अपनी शामिल कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हो, लंच में, डिनर में, मतलब जिसमें मन करे ना उसमें शामिल करो। आप इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में रख सकते हो, हेल्दी तो है ही और पराठों से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, पराठे भी ले जाएंगे, कभी कभी पराठे भी ले जाने चाहिए, बट कभी कभी ना हर टाइम पराठे अच्छे नहीं लगते ना, या हर टाइम एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज कर करके हम इसको ट्विस्ट दे देते हैं। तो ये है चीला, बहुत ही हेल्दी, बहुत यम्मी, और इसको मैंने बनाया है, सारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, वो सारे ही आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। और ना केवल ये बच्चों को पसंद आएंगे, बड़े, मतलब हर कोई ना इसको बहुत ही चाव से खाने वाला है। और मैंने इसको बनाया है अपने डिनर में। यस, हाँ अजीब लग रहा है डिनर में। हाँ, मैंने इसको डिनर में ही बनाया है क्योंकि मेरा ना कुछ हल्का सा खाने का मन कर रहा था, और वैसे भी आपको सबको पता होगा कि ब्रेकफास्ट को हमको किंग की तरह करना चाहिए, और लंच को थोड़ा थोड़ा, मतलब मीडियम, और जो डिनर है वो हमारा बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये साबुत मूंग दाल है, इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था। इसमें अभी अंकुरण नहीं हुआ है, अंकुरित नहीं हुई है, बट अगर आपके पास अंकुरित वाली है, स्प्राउटेड वाली मूंग है, तो आप वो भी चीले में यूज़ कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी रेसिपीज चीले की शेयर की हैं इससे पहले भी, आई होप आपने वो सभी देखी होंगी। तो ये सोक्ड मूंग दाल है, इसको अच्छे से पहले मैंने ना थोड़ी देर, मतलब इसको सोक करने से पहले ना आप इसको पहले अच्छे से धो लेना। इसके अलावा मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक बनाने वाली हूँ आज, तो मेरे पास जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना वो सभी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ा सा पालक पड़ा था, तो मैंने पालक को बहुत अच्छे से साफ़ करके उसको बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर ये है एक बीट रूट, तो मैंने बीट रूट को भी पील करके उसके बाद उसको कद्दूकस कर लिया है, और उसको आप ग्रेट कर लें, और ये भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई सब्जी डालनी है, आप प्याज डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कैरेट डाल सकते हैं, आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, तो आपका जो मन करे ना आप वो डाल सकते हैं। बीन्स हो तो आप बीन्स भी थोड़ा चॉप करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने मिक्सर में ले लिया है, और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा अदरक, अदरक मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मैंने ग्रीन चिली का यूज़ किया है, और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें जीरा, और पानी डाल के हम इसका बना लेंगे बारीक सा पेस्ट। तो ये मेरा हो गया बिल्कुल पेस्ट तैयार। तो पानी हम लास्ट में डालेंगे, मतलब जो भी इसमें जितना पानी डालना है, और लास्ट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालते रहेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आपको पता है मैंने इसमें डालने वाली हूँ बीट रूट और पालक, तो मैंने बीट रूट भी डाल दिया है, पालक भी डाल दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास, आपको कैरेट डालनी है, आप कैरेट डाल सकते हैं, आप प्याज डाल सकते हैं प्याज काट के, इसके अलावा आप बीन्स डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। तो आपके पास जो वेजिटेबल्स सीजनल अवेलेबल हो ना या घर में, तो आप वो डाल सकते हो। और अगर आपके पास नहीं भी है, तब भी अगर आप मूंग की दाल का चीला बना रहे हो, तो आपको लगता है कि वो नुकसान देगा? बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है, कोई नुकसान नहीं देता, हाई फाइबर उसमें होता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, वही जो मिक्सर था ना उसमें थोड़ा सा जो घोल के, थोड़ा पानी डाल के, और मैंने इसको पानी को, जो घोल है ना उसको अच्छा सा थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी का बना लिया, बट बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीला होता है ना, जब आप उसको बनाते हो तो उसका बहुत पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक, इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने डाला है, ये है कुटी काली मिर्च, तो कुटी काली मिर्च मैंने डाली है 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो अगर आप चाहें, जैसे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप, मैंने जैसे इनिशियल में ग्रीन चिली डाली थी, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, और आप इस टाइम पर केवल काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च का, कुटी काली मिर्च जो घर पर कूट ली हो आपने, या आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ पैन पर, और मैंने ना एक्चुअली, मैं क्या करती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ ना चीला वगैरह, तो मैं दूसरी गैस को भी, जो दूसरा चूल्हा होता है ना, उसको भी मैं खाली नहीं जाने देती, बर्नर को, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ चढ़ाकर, और दूसरा तवा, या तो तवा चढ़ा देती हूँ लोहे का, या फिर मैं दूसरा पैन अगर कोई होता है खाली तो वो चढ़ा देती हूँ, और मैं जल्दी जल्दी सारे चीले उतार लेती हूँ। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ग्रीस करके और चीला अपना फैला
जाकर। और चीले को ना जब भी बनाएं तो आप उसको ढक दें, आप इसको चीला भी बोल सकते हो, आप बहुत सारे लोग पैनकेक बोलते हैं, पैनकेक थोड़ा सा बस मोटा सा होता है तो वो बोलते हैं, तो आपको जो मन करे आप वो बोलो। बहुत से लोग पराठा भी बोल देते हैं, पतला पराठा इस तरह से करके। तो सबका अलग अलग जहाँ जहाँ की जो भाषा है, जहाँ जो जैसे बोलता आया है वो उसको अपने हिसाब से बोलते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये कितना अच्छा लगता है ना, मतलब आप देखो इसका टेस्ट, रंग, टेक्स्चर, सब कुछ इतना यम्मी है ना कि मतलब आपको खाने का तो बस मन ही करेगा। और जब आप इसको बनाओगे ना तो मतलब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल चीले में पेट भर जाता है, ठीक है दो खा लिए, दो से तीन खा लिए बस, इसमें आपका पेट ही पेट के साथ साथ मन भी नहीं भरता, मतलब इतना टेस्टी लगता है ये। तो मैं तो लाइक अपने घर में बनाती रहती हूँ जब भी मेरा मन करता है। और मेरे को ना ये जो जैसे आपने देखा है ये चीले के जो साइड वाइज जो पतला पतला सा होता है ना, जैसे जो चीले की जो साइड साइड होती है ना, मैं उसको चाहती हूँ कि वो पतली ही रहें, क्योंकि उससे ना वो क्रंची हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और वो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो मेरे को पर्सनली, मैं अपने लिए ना ऐसे ही चीला बनाती हूँ कि मैं उसकी जो साइड्स होते हैं ना वो मैं मोटे नहीं छोड़ती, मैं उसको पतले कर देती हूँ, तो मुझे वो क्रंचीनेस ना वो चाहिए होती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने इतना इतने में फैलाया है, आप चाहो तो पूरे में डाल सकते हो उसको, जितना बड़ा पैन है आप उतना बड़ा डालो, है ना, क्या ही है अपना ही पैन है। तो मैं इधर भी बना रही हूँ, मैं दूसरा जो मेरा बर्नर है उस पर भी मैंने चढ़ा रखा है, तो मैं मेरे से क्या होता है जल्दी जल्दी बन जाते हैं, तो ठंडे भी नहीं होते और फिर जल्दी जल्दी आप बनाकर और फिर खुद भी खा सकते हो बैठ कर, मतलब फैमिली के साथ। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में खाओ, मतलब आप जल्दी जल्दी बना लो, और अगर आपके पास चार बर्नर का चूल्हा है ना तब तो वाई मज़े ही आ जाने, सोने पर सुहागा ही हो जाएगा। तो आई होप आपको यह रेसिपी ना पसंद आई होगी। इसको मैंने दही के साथ सर्व किया है, दही में मैंने घर का बना हुआ एक मसाला जो कि जिसमें सौंफ, काली मिर्च और जीरा है उसको रोस्ट करके वो मैंने डाला है। और ट्रस्ट में ये इतना अच्छा लगता है ना, आप इसको दही के साथ खा सकते हो, आपने अगर घर में कोई सॉस बना रखी है, कोई कैचअप है तो आप उसके साथ खा सकते हो, आप इसको दूध के साथ खा सकते हो, जिसके साथ आपका मन करे। आप अगर चाय के शौकीन हो चाय के साथ खाओ, जैसे मन कर रहा है वैसे खाओ, लेकिन ट्रस्ट मी इसको आप अपने किसी भी मील में शामिल कर सकते हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो या डिनर हो। तो आई होप आपको ये इजी सी हेल्दी ब्रेकफास्ट, इजी सा जो हेल्दी ब्रेकफास्ट था वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे साथ जुड़े रहना और अपना ध्यान रखना। यस, मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।